हमको प्रॉब्लम आया, क्या प्रॉब्लम? वो एलईडी स्क्रीन नहीं आ रहा है, लाइटिंग नहीं आ रहा है, ठीक है, वो कस्टमर का प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो, आप डिस्प्ले कनेक्टर पे हम चेक कर रहे हैं, इधर पूरा रीडिंग्स लिख लिया, ओके सर, इधर क्या है सर, रीडिंग आया तो लाइन, ओके, ऑयल मींस, मींस क्या है सर, वो नो कनेक्शन, वेरी गुड, नहीं तो ओपन लाइन, ओके। और नेक्स्ट क्या चेक किया, 0.00 मींस ग्राउंड, अब पता चल गया सर सबको, क्लियर, ओके। अब देखेंगे अभी वो इधर कंपेयर करेंगे, ओके, चलो उधर देखे तो 135 सेम वैल्यू आया ना उधर, सेम वैल्यू बोर्ड पे दिख रहा ना सर, ओके, बोर्ड के इधर क्या है, वो तीनों एक ही लाइन है, ठीक है। तो अभी ए फोन में क्या नहीं आ रहा है, ओ एलईडी नहीं आ रहा है, स्क्रीन नहीं आ रहा है, तो पहले चेक करेंगे क्या है, 135 पे रेजिस्टेंस ही आ रहा नहीं आ रहा है, चेक कर लो भाई अभी, अरे मार देखो भाई क्या है, सेम आया, हाँ यारों से राइट, वेरी गुड। अब क्या है सर, 0.675, वेरी गुड, नेक्स्ट सेम राइट, सेम आया सर, 673, ओके सेम, नेक्स्ट राइट, ये तीनों एक ही वैल्यू है, मींस एक वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज सर, वो 4.6 वोल्टेज का लाइन, ओके, वोल्टेज नहीं, वोल्टेज नहीं, क्या ओके, लाइन ओके, नेक्स्ट क्या चेक करना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट 7.3 का, 9, पिन नंबर 9, 11, सॉरी ओनली 9, 7.6 एवीडीडी, ओके, एवीडीडी 7.6, देखो अभी चेक कर लो भाई, एवीडीडी पिन नंबर 9 बोल दो, पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, पिन नंबर 5, 1, 2, 3, 4, राइट, वेरी गुड। अब देखो सर, लाइन आया सर, तो ये लाइन भी ओके, वोल्टेज नहीं, लाइन ओके, नेक्स्ट क्या चेक करना है सर, नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर 246, तो हाँ राइट, वहां चेक करना पड़ेगा, सही ना सर, 246 में -4 वोल्टेज, माइनस में पहले चेक करे तो ओएल आएगा, क्या आएगा, आर डायोड मोड, डायोड मोड, पहले डायोड मोड पे चेक कर लो, डायोड मोड, नॉर्मल डायोड मोड, डायोड मोड में चेक करते, देखो क्या आया, ओएल, देखो सर, ओएल मींस क्या है, ओपन लाइन नहीं, ओवर ओवर लोड, ओवर लोड। अब क्या चेक करना है, देखो अब रिवर्स डायोड मोड, तो ये वोल्टेज क्या है, माइनस वोल्टेज डायोड मोड पे नहीं आएगा, चलो राइट, देखो वैल्यू आया 627, एक पिन, नेक्स्ट, तीनों पिन में सेम आना चाहिए, तीन पिन में आ रहा नहीं आ रहा, बराबर देखो, टेंशन नहीं, आराम से चेक कर लो भाई, आ रहा है सेम वैल्यू, बराबर लगाओ, रिवर्स डायोड बोर्ड, कंफर्ट कैसा है वैसे चेक करना सर, ओके, अब आ रहा नहीं आ रहा है, ओके, ये परफेक्ट चल रहा है, ओके, अभी लाइन ओके, नेक्स्ट क्या चेक करना है, वोल्टेज, तो वोल्टेज चेक करना बोलते हो, इधर कैपेसिटर दिख रहा है सर, वो कैपेसिटर, ओके, वो स्कीमेटिक में कैपेसिटर दिख रहा है सर, वो लाइन देखो 4.6 का, नीचे जाओ 4.6, और देखो कैपेसिटर नंबर क्या है सर, C6011, देखेंगे अभी स्कीमेटिक में C6011 कहां है, स्कीमेटिक ओपन, उधर मारो सर, सी, वो तीनों का नंबर लिख लो, तीनों का नंबर लिख लो, C6011, एक लिख लो, लिख लो एक, भाई उधर लिखो, नहीं नहीं वो तीनों एक ही लाइन में है ना, हमको तीन वोल्टेज का कैपेसिटर चाहिए हमको, ओके, C6011, वोल्टेज क्या आना सर इसमें, वोल्टेज ऊपर ऊपर लिख, इसमें क्या आ रहा है, 7.4, कौन सा वोल्टेज देखो, नहीं नहीं वो 4.6, वो कैपेसिटर में हम चेक कर रहे थे हार्ट टेस्ट में 4.6 आना चाहिए, ठीक है, और नेक्स्ट 7 का देखो भाई, 7 का 7.6, चलो कैपेसिटर से पास जाओ, क्या है सर वोल्टेज, C6010 लिख लो भाई, C6010 वोल्टेज बताओ, वोल्टेज भी लिख लो, वोल्टेज 7.6, ऊपर का 4.6, फोर नहीं 4.6, नीचे 7.6, वेरी गुड, नेक्स्ट
अब देखो और माइनस का देखो सर, माइनस इधर इधर माइनस का कैपेसिटर दिखाओ, माइनस का चेक कर रहे हैं मैं वोल्टेज मोड पे कैसे माइनस में आएगा। प्रोब नॉर्मल प्रोब, उसको रिवर्स करने का कुछ भी जरूरत नहीं है हमको, क्या चेक करना है। हाँ राइट, देखो अभी माइनस 4.4, 4.6 और 4.4, देखो यार क्या है सर, 4.0 माइनस 4.0। चलो अबे आपका डिस्प्ले लगाओ भाई, आपका डिस्प्ले लगाओ, लगाओ डिस्प्ले लगाने के बाद क्यों बोलते हो एनेबल, एनेबल कब आना है हमको पता है, तब आएगा वोल्टेज, नॉर्मली नहीं आएगा वो देखेंगे। आप कनेक्ट किया तो डीसी कनेक्ट कर लो भाई, नॉर्मल लगा के चेक करो, बाद में वो चेक करेंगे। डीसी कनेक्ट कर रहे राइट, देखो अभी ये कैपेसिटर में जाके, ये कैपेसिटर कहाँ है हमको अभी कहाँ देखना पड़ेगा, स्कीमैटिक लेआउट में देखना पड़ेगा भाई। लेआउट ओपन कर लो, लेआउट ओपन कर लो, लेआउट ओपन करके वो तीनों कैपेसिटर कहाँ है बताओ, अभी बोर्ड पे, बोर्ड पे देखना पड़ेगा। रुको रुको रुको, पहले क्या है वो क्रिस्टल के नीचे है क्या, शील्ड के नीचे है क्या, साइड पे है वो देखना पड़ेगा सर्च, C6011 सर्च। देखो इधर कहाँ दिख रहा है, दिखा है जूम, जूम कर लो भाई, जूम करे तो पता जाएगा आपको भाई ना, प्लस पिक्चर। हाँ अभी मारो और एक बार एरो मार, क्लिक करो सर, क्लिक लेफ्ट लेफ्ट, नहीं आ रहा है बराबर, देखो और एक C6010 देखो एक बार, वन जीरो दिख रहा है सर, C6010 ओके। तो वो नंबर गलती से मिस्टेक लिख लिया क्या, 6010 पे कितना वोल्टेज आना चाहिए सर, 7.6। बोर्ड कम कर लो, बोर्ड पे कहा है देखो एक बार, लेआउट जूम इन कर, आउट कर लो, जूम आउट जूम आउट जूम आउट, हाँ देखो सर कहा है, देखो इधर दिखाओ अभी डिस्प्ले कनेक्टर के पास, जूम जेन सर तो, जूम అయిందా పర్ఫెక్ట్ గా ఐసీ రీపాల్ నీకు అయిందా క్లియర్ గా ఎనీ డౌట్స్ ఐసీలో ఏం లేవు క్లియర్ వెరీ గుడ్ చలో మైక్ ఆ బోల్ రహే హమారా బోర్డ్ మే దేఖ్నా పడేగా క్యా దేఖ్నా పడేగా బోర్డ్ మే తో బోర్డ్ మే కైసే దేఖ్నా హైగా అభీ అభీ C6010 కహా దిఖ్ రహా హై ఇధర్ జూమ్ జూమ్ కర్ రహా హై ఇధర్ देखो इधर दिख रहा है ना भाई 60 बोल को कहा है डिस्प्ले कनेक्टर इधर दिख रहा है, डिस्प्ले कनेक्टर के नीचे रेजिस्टर दिख रहा है, रेजिस्टर के नीचे है, रेजिस्टर का नीचे है, देखो इधर दिख रहा है ना भाई, उसमें साइड ऊपर के पास दिखा दे, छोटी के पास दिख रहा ना, ओके पास क्या जूम, नहीं नहीं पहले चेक करो, ओके ऑन कर, ऑन करके चेक कर, ऑन कर तो हम डायोड मोड पे चेक कर लिया ऑलरेडी, ये लाइन ओके क्या होगा लाइन ओके, अब वोल्टेज आ रहा नहीं आ रहा, वोल्टेज आ रहा नहीं आ रहा, आराम से चेक कर रहे हैं, टेंशन नहीं है ओके। 20 वोल्टेज पे रखो, 20 वोल्टेज पे रख लिया ओके सर, अब देखो वोल्टेज मोड राइट, लिखो चेक कर, एक कैपेसिटर में चेक कर, देखो कितना है, देखो क्या आ रहा है, देखो उधर सर कैसे इसको बैटरी नहीं, ओके डीसी है, डीसी डीसी आया तो भी हम आना चाहिए, वोल्टेज आना चाहिए ना आपको, अरे वोल्टेज
देखो वोल्टेज नहीं आ रहा है, ओके तो वोल्टेज नहीं आ रहा है। देखो इधर कैसे चेक करना है, यही है ना सर, देख क्या है सर इधर, रुको देखो अभी वोल्टेज अभी दिख रहा, अभी उधर दिख रहा ना, वो देखो पहले, ओके अब देखो ये देखो, ये देखो वोल्टेज नहीं आ रहा, ओके वोल्टेज नहीं आ रहा है, 7.6 ट्रिगर नहीं हो रहा है, ओके और एक कैपेसिटर कहाँ है, और एक कैपेसिटर देखो C006 देखो अभी और ले, और एक कहा है C6006 जूम आउट कहा है बताओ मेरे, डिस्प्ले कनेक्टर के बाजू में क्रिस्टल है, देखा इधर क्रिस्टल दिख रहा है सर, शील्ड दिख रहा है ना, शील्ड ये शील्ड के नीचे है बोल के बता रहे हो, वो ऐसा क्या है हम इसमें देख के पता चल रहा है, लेआउट में देखे तो हमको पता चलेगा वो ये पूरा, देखो अभी इसमें कहा है वो, ओके कौन सा है सर, देखो कौन सा है, जूम कर लो मेरे को, 6 सेकंड 1 ओके तो यहां से देखे तो ये वाला सेकंड वन वही है ना, देखो इधर ए वाला बता रहा है, कौन सा वाला है, ए वाला सेकंड वाला, और नीचे एक है इधर इधर दो, ये वाला है ना सर, देखो सर वोल्टेज नहीं आ रहा है, क्यों बोलो तो हमको इधर एनेबल सिग्नल्स नहीं आ रहा है, ओके ना सर, एनेबल सिग्नल्स नहीं आ रहा है, अब देखो अब हम चेक करके बताएगा, अब देखेंगे देखेंगे अभी वोल्टेज देखो, वोल्टेज मोड कितना है, क्या है ग्राउंड वैल्यू, बोल तो कैपेसिटर के एक तरफ ग्राउंड है ना सर, तो ग्राउंड वैल्यू आ रहा है दूसरी तरफ, देखो अब देखो 7.7 तो वोल्टेज आया ना यार, अभी क्या है डिस्प्ले कनेक्टर लगाया हमको एनेबल सिग्नल मिला, अब क्या है हमको क्या हो रहा है सप्लाई रिलीज हो रहा है, ओएलईडी ड्राइवर रिलीज कर रहा है सप्लाई, और एक सप्लाई दिया ना उधर, और एक सप्लाई भी चेक कर रहा है, అంటే మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇందాక డిస్ప్లే కనెక్టర్ పెట్టినాం ఎల్ఈడి ఎనేబుల్ అవ్వలేదు, ఇప్పుడు డిస్ప్లే కనెక్టర్ పెట్టగానే ఎనేబుల్ వోల్టేజ్ వచ్చింది ఓఎల్ఈడి అప్పుడు అవుట్ వచ్చింది, ఓకేనా దేగో సెకండ్ కో చెప్తా దేగో కిత్నా హై -1 వోల్టేజ్ -2 క్లియర్ అవి తో కభీ భీ హమ్ చెక్ కర్ రహే టైమ్ మే ఓఎల్ఈడి ఆయా తో భీ కౌన్ సా భీ ఆయా తో భీ ओके चेक करने तरीका ऐसा है, क्लियर तो हम मैं क्या बोल रहे हैं अभी ये लाइन पे अभी कौन सा भी डिस्प्ले कनेक्टर इसमें क्या क्या रहेगा बोलो, क्या क्या सेक्शन आएगा इसमें,
लाइट इंस्ट्रक्शन आएगा डिस्प्ले लाइट, वेरी गुड। ओके अभी एम आई पी ए लाइन कहाँ है, कहाँ से आएगा, कभी भी लिखना है वो। ओके बीच में क्या रहेगा, एफ एल से पूरा रहेगा, नहीं तो डायरेक्ट सीपीयू से आएगा। ओके अब कौन सा भी कनेक्टर आया, तो ये डिस्प्ले कनेक्टर के बारे में नहीं बोल रहा है, कौन सा भी कनेक्टर, लाइक एग्जांपल कैमरा कनेक्टर पकड़ लो, पहले क्या चेक कर रहे हैं हम, लाइंस, लाइन रेसिस्टेंसी, लाइन रेसिस्टेंसी से हमको पता चलेगा, लाइन रेसिस्टेंसी तो తెలిసిపోతుంది మనకి, ఆ లైన్ ఓకే ఉందా, షార్ట్ ఉందా, ఓపెన్ ఉందా, లీకేజ్ ఉందా, ఓకే పతా చల్ రహా చల్ రహా ఇస్ చల్ క్లియర్ అభి ఆర్ కుచ్ స్కెమాటిక్ రీడ్ కర్నా పతా చల్ గయా అర్థమైంది సార్ స్కెమాటిక్ ఎలా రీడ్ చేయాలి ఇప్పుడు మన స్కెమాటిక్ లేకపోతే చేయగలుగుతామా సార్ ఇప్పుడు ఈ కనెక్టర్ మీద మూడు వాటికి వాల్యూ వస్తుందంటే ఎవరు చెప్పారు సార్ స్కెమాటిక్ స్కెమాటిక్ లేకుండా ఆ లైన్ అది తెలియదు ఆ కెపాసిటర్ అదే అని ఎలా తెలిసింది సార్ స్కెమాటిక్ అంటే స్కెమాటిక్ లేకుండా మనం ఏం చేయలేం అర్థమైందా సార్ సో అంటే మనం ఏం నేర్చుకోవాలి స్కెమాటిక్ రీడింగ్ స్కెమాటిక్ రీడింగ్ వచ్చిందంటే మిమ్మల్ని మీరు ఫ్యూచర్లో అప్డేట్ అవ్వచ్చు ఏ మోడల్ వచ్చినా రిపేర్ చేయవచ్చు ఓకేనా సో క్లియర్ ఇప్పుడు అందరికీ ఐసీలు ఎలా తీయాలో వేయడం వచ్చిందా అండి ఐసీలు వేయడం ఏమి డౌట్స్ ఐసీని ఎలా పట్టుకోవాలి ఎలా తీయాలి ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ వెరీ గుడ్ అభి హమ్ క్యా కర్ రహే పేస్టెడ్ ఐసీ కే బారే మే దేఖేంగే